अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी जो है मैं आया हुआ हूँ कराची की ही सबसे बड़ी गाड़ियों की मार्केट रिपेयरिंग के हिसाब से। तो ये है शफीक मोड में आ गया हूँ। यहाँ पे पहले भी एक दफ़ा आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम हमारे पास एक्वा थी और एक्वा पे ABS फारिग हो गया था, तो वो हमने यहाँ से बनवाया था। तो अभी ये है कि अभी हमारे पास ना गाड़ी दूसरी है, हमारे पास है टोयोटा इंडस क्रोज़ा। तो उसके क्या है कि उसके ना शौक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। तो अभी हम दोबारा यहाँ पे आ गए, आज जुम्मे का दिन, मार्केट सारी बंद पड़ी है, बस एक वही आज दुकान खुली हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, गाड़ी अभी देखें, गाड़ी आ गई है, गाड़ी अभी जो है खुलेगी और शौक शौक जो है सारे इसके चेक करेंगे। आगे वाला जो शौक था ना गाइस, आगे वाला जो इसका शौक था वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था। जब भी खड्डे वड्डे में लगती थी, जब भी ईंच लगती थी ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो अभी ये है कि बस खुलवाते हैं, चेक कराते हैं क्या मसला है। तो बस गाड़ी आप देखें, तो गाइस गाड़ी अभी यहाँ पे लगा दी है, अभी काम शुरू होने वाला है। इस साइड वाला जो है लेफ्ट साइड वाला शॉक आवाज़ कर रहा है, यहाँ से ये खुलेगा। ये देखें गाइस, ये सारे जो है शॉक्स पड़े हुए हैं, ये पूरा गोदाम है भाईजान का। तो وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريقا। गाइस अभी जो है देखें गाड़ी खुल गई है, ये शॉक लेफ्ट साइड का जो है बाहर निकाल दिया है। और ये देखें, ये देखो यहाँ यहाँ से खुल के जो है वो बाहर निकला है। ये तो आती आयल और पानी मिक्स हुआ। तो गाइस अभी ये है कि गाड़ी का काम वाम चल रहा है। अच्छा, हम भाई के पास जो है एक काम लेके आए थे गाड़ी के शॉप्स का, लेकिन आपको पता है ना, फिर चीज़ जब खुलती है तो और चीज़ें सामने आती जाती हैं। हाँ भाई, अब ये भी काम है, ये भी काम है। तो शॉक्स तो खुल गए, शॉक्स में तो बिल्कुल काम है। उसके अलावा जो है डिस्क ब्रेक्स जो होती हैं ना, उनमें भी काम है। उसकी जो डिस्कें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, दोनों डिस्कें जो है नहीं लगेंगी। और इसका जो पावर स्टेयरिंग है, उसका जो उसके जो बूट्स होते हैं पावर स्टेयरिंग के, नीचे एक बूट्स लगे हुए होते हैं, वो भी फटे हुए हैं। उनसे बाकायदा ऑयल ना बहुत नीचे गिरा है, फटे हुए हैं बूट्स। पावर स्टेयरिंग का काम है, डिस्क का काम है, शॉक का काम है, ब्रेक पैड नए लगेंगे, मतलब ठीक ठाक काम है। हम एक काम सोच के आए थे, लेकिन चार पांच काम और निकले हैं। ऐसी बात है, पुरानी गाड़ी में तो ऐसे ही काम निकलते हैं। तो अभी ये कि पहले जो है शॉक्स रिपेयर होने जा रहे हैं, पहले शॉक्स रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ देखते हैं। पहले मेन काम की तरफ हम ध्यान देते हैं, जिसके लिए हम आए हैं। तो अभी बस चल रहा है काम, वो अभी राइट साइड वाले जो है शॉक खुलिए, अभी हम चलते हैं यहाँ से। ये देखें, ये राइट साइड का शॉक भाई ने खोल लिया है और लेफ्ट साइड का जो है ये पड़ा हुआ है, इसमें जो है मसला है। अभी चल के देखते हैं क्या मसला आ रहा है। तो गाइस ये देखें, ये जो बहुत ज़्यादा ऑयल बहा हुआ है ना, मैं फोकस कर लूँ ज़रा, ये देखो ये बहुत ज़्यादा जो ऑयल बहा हुआ है ना, ये बेसिकली ये जो बूट्स हैं ना, ये बूट्स स्टेयरिंग के फटे हुए हैं। और समझ लो स्टेयरिंग का भी प्रॉपर काम है, ये देखो ऑयल कितना सारा बहा हुआ है। तो अभी स्टेयरिंग का भी काम है, बाकी यहाँ से शॉक खुल गया, अभी शॉक को देखते हैं शॉक का क्या सीन है। और ये देखो, ये इसके ऊपर से पहले खुलता है और फिर शॉक बाहर आता है। सभी दुमो
तो गाइस शॉक्स जो हैं आ गए हैं, पुराने वाले हमारे ये शॉक लगे हुए थे, ये जो है 90 मॉडल की जो करोजा आती है ना उसके लगाए हुए थे, ये इंडस के ओरिजिनल भी नहीं लगे हुए थे। तो अभी भाई जो है ये इंडस के ओरिजिनल जो है शॉक्स लेके आए हैं, अभी जो है ये वाले शॉक्स लगेंगे और इनमें जो है स्पेसर भी लगे थे। स्पेसर से ये होता है कि गाड़ी थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है तो ज़्यादा नीचे नहीं लगती, लेकिन अब ये वाले जो लगे हैं तो ये थोड़े से ऊँचे हैं तो इनमें स्पेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें स्पेसर इसलिए भी लगे हुए थे क्योंकि ये थोड़े से नीचे हैं तो गाड़ी को थोड़ा और उठाने के लिए, ताकि ज़्यादा खड्डों में ना लगे। अब ये तो वैसे ही बहुत ऊपर है तो इस पर स्पेसर की ज़रूरत नहीं है, इस पर स्पेसर लगाया ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची गाड़ी में फिर पता है क्या होगा, वो टायर इतना नीचे होगा और गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी ना तो वो फिर अजीब सा हो जाएगा, गाड़ी मतलब बहुत बुरी लगेगी फिर। देखें ये बड़ा प्रॉपर गोदाम है इनका, यहाँ पर हर एक चीज़ प्रॉपर मशीन रखी हुई है। ये देखो गन सामान कितना पड़ा हुआ है, इस साइड पर भी सारा सामान पड़ा हुआ, ये देखें हर एक चीज़ यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे अभी वेल्डिंग चल रही है, वेल्डिंग तो पहले जैसे भाई ने ये खोले था ना ये डंडे रख के तो प्रॉपर जैसे करे था ना, अभी प्रॉपर उसको बंद कर रहे हैं वापस से। ये देखो अभी भाई इस ऊपर बैठे हैं और ये फिट करेंगे इसको। अभी हम मज़े से जो है इसके ऊपर रॉड्स के ऊपर बैठेगा। अच्छा ये रॉड के ऊपर बैठ के फिट ऐसे कर रहे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेगा तो ये स्प्रिंग जो है ना ऐसे उड़ेगा डायरेक्ट हवा में। अच्छा अभी का सीन में जैसे है कि मार्केट पूरी प्रॉपर बंद पड़ी हुई है, तो असल में आप मैं जैसे दो चार और काम करवाए थे तो वो भी काम करवाने बिल्कुल करवाने हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन अभी सीन ये है कि मार्केट पूरी प्रॉपर बंद पड़ी हुई है तो हम जिस काम के लिए आए थे वो ऑलमोस्ट हो गया, 60% हो गया काम, बाकी वो शॉप को जो है अभी गाड़ी में फिट करने लगे हैं, बाकी उन्होंने सारा काम अभी कर लिया है। अभी फ़िलहाल हम शॉप का ही काम करवा लेते हैं, बाकी मार्केट जुम्मे का दिन है, आज मार्केट पूरी प्रॉपर बंद पड़ी हुई है, फिर इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टाइम टाइम निकाल के आएंगे तो फिर इसके पावर स्टीयरिंग का काम है और भी दो चार काम है, उसके अलावा ये गाड़ी जो है इसमें इंशाल्लाह मॉडिफिकेशन भी छोटी मोटी करनी है, बहुत ज़्यादा वाली तो नहीं कर सकते, यहाँ पर होता है फैमिली कार होती है, फैमिली कार में फिर प्रॉपर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो छोटी मोटी जो होती हैं वो तो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इस गाड़ी की भी सीरीज देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। अभी ये काम करवाते हैं, थोड़ा सा जो है चाय का भी मज़ा ले लिया जाए इतना काम करने के बाद। तो गाइस शॉक जो है फिट कर दिए, अच्छा दोनों जगहों के चेंज कर दिए, ये राइट वाला है और वो लेफ्ट वाला भी, दोनों जोड़ियां चेंज कर दी हैं ताकि गाड़ी बैलेंस हो जाए ना आगे से। और ये है डिस्क गाइस, ये देखो ये फुल ख़त्म हो गई, ये भी चेंज हो गई अभी लेकिन आज नहीं, यहाँ से जो है ये जो शॉक यहाँ से जो है फिट हो गया और अभी जो है लेफ्ट वाला जो शॉक है ना वो वाला फिट हो। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى। तो गाइस गाड़ी रेडी हो गई है, अभी जैक से भाई उतार रहे हैं, नाउ वी आर रेडी टू गो। एक काम तो हो गया, बाकी कामों को बाकी के वो बाद में देखेंगे, अभी एक जो हुआ है ना उस पर ही जो है ना फिलहाल काम चलाते हैं। अभी जैक से उतरेगी तब असल मज़ा आएगा, गाड़ी अब चलाने का मज़ा है। अब तो मैं कहता हूँ कराची के सब खड्डों में मार दो जाएगी गाड़ी, स्पेस दे के गिल कैपिटल में लिखना है, स्पेस दे के वी एल ओ वी 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 ब्लॉग्स लिखना है, ओ जी एस अच्छा ये कैपिटल कर दें, हाँ सिंपल में। अच्छा एक मिनट फ़ोन सो कोई लगाइए,
ये वाला भी ठीक है, ऐसे कोई सिंपल सिंपल में दिखा। और है इसके अलावा ये वाला सही है ना, यूट्यूब का लोगो इससे पहले आएगा। छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा। हाँ सही है। तो गाइस अभी जैसा कि आपने देखा कि हमने छोटी सी एक चीज़ की है, मैंने कहा यार बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी, हम गाड़ी बनवा के वापस आ रहे थे तो ये एक जगह नज़र आ गई, तो मैंने कहा यार छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आराम आराम से कम्प्लीट करते रहेंगे, अभी फ़िलहाल ना ये कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये करना था, मैं ये काफ़ी टाइम में सोच के रखा हुआ था, तो मैंने कहा यार अभी आए चलो अभी के अभी हाथ के हाथ कर लेते हैं। वैसे अभी करा ही नहीं था, इस प्लान बात का ही था, लेकिन अभी नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो अभी के अभी हाथ के हाथ में काम ये भी हो जाए। तो यार इस ब्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी 50 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएंगे। ठीक है आपको नेक्स्ट प्रोग्राम देता हूँ, अल्लाह हाफिज़।